सिंह राशि 2022 जनवरी का महीना कैसा रहेगा, तो 2022 जनवरी कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जानते हैं। उससे पूर्व भी बता देना चाहती हूँ, सनातन धर्म के हिसाब से राशि प्रिडिक्शन करते हैं। दैट इज आपकी जो मून साइंस है, जो पत्रिका जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपका राशि निकल कर आती है उसी के हिसाब से हम आपका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इसको सन साइन से प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा जाएगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम ये देखते हैं कि बड़ी सारी चीजें हैं जिनको आप डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो वर्क कैरियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये भी कई बार देखा जाता है कि कई बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर कोई अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, कोई शादी का रिश्ता ढूंढ रहा है और उसको वो रिश्ता नहीं सुलभ हुआ, क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ आपको बता रही हूँ, उस वजह से कहीं ना कहीं एक इरिटेशन आ जाए दिमाग में दैट इट्स बीन सो लॉन्ग और अभी तक हमें रिश्ता नहीं मिला है, तो मुझे कैसे अब अपने आगे की जिंदगी करनी है। घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं, बाहर दोस्तों में जा रहे हैं तो वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं, बहन भाई भी यही पूछ रहे हैं, जॉब एरिया में बिजनेस एरिया में भी लोग यही पूछ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कई बार हम लोग अनसेटल हो जाते हैं दिमाग में कि व्हाट इज हैपनिंग। एक ही चीज बार बार हर कोई पूछ रहा है और वो चीज हमारी सेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी इरिटेशन आने के योग है, जिसकी वजह से थोड़े से अनमने से हो जाएंगे, लोगों से कट ऑफ रहने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा मुझे लोगों से मिलना नहीं है, और इसका इफेक्ट आपके वर्क एरिया पे भी पड़ सकता है और पर्सनल लाइफ पे भी पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है, शादी वाला मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो हर कोई पूछ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल काम, आप काम क्यों नहीं कर रहे, क्या काम किया अभी तक, आप कितना सेटल हुए, ये दूसरा एक मैंने आपको दे दिया, ऐसी कोई भी एक बात जो सब आपसे हर जगह जाके पूछेंगे, जिसके वजह से आप अनसेटल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। यू विल ट्राई टू डील एवरीथिंग, और कुछ महीना भी इस प्रकार के योग लेकर आया हुआ है कि रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो सबके साथ एक हार्मनी का रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आप खुद सही रहिए, अपना मानसिक संतुलन आपने सही रखना है, आपने किसी भी तरीके से अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देना। कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपकी मानसिक स्थिति को उदास कर दो, जिसके कारण आपको इस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़े। तो मेरी बस आपसे सिर्फ इतनी एडवाइस है इस महीने के लिए कि आपने प्रसन्न रहने की कोशिश करनी है। ये मंथली प्रिडिक्शन है, इस मंथ के बाद एक नया महीना भी आएगा और ये प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो बस 31 दिन के लिए आपने इतना समझना है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही प्रयास करने के बाद भी, और लोगों ने अगर पूछ लिया है तो बड़े धीमे स्वर में प्रेम से उसका जवाब दीजिए, ना कि इरिटेट होके झेंपना, मुझे मिलना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं ला रहा। ट्राई एंड बी एट पीस, पीस में रहने की कोशिश कीजिए, शांतिपूर्वक रहने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही ना तो बड़े प्यार से बोल दीजिए, यार देखो इस बारे में ना प्लीज़ बात मत करो, मैं घर पे भी यही बात करके यहाँ पे आती हूँ या आता हूँ, तो अब दोबारा मुझे वही वार्तालाप नहीं करनी, प्यार से समझा दो, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे भी आपसे अगर पूछ रहे हैं ना, वो कंसर्न में पूछ रहे हैं, वो आपको इरिटेट करने के लिए नहीं पूछ रहे, वो आपके लिए कंसर्न्ड है। तो अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से दूसरों पे नहीं खींचना है, ठीक है। बाकी ये महीना थोड़ा सा आप अंदर से वैराग्य जैसा, विरक्ति जैसा महसूस करेंगे, तो अगर ऐसा महसूस करना ही है तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, अगर इस प्रकार का योग आता है तो इसको श्रेष्ठ योग में परिवर्तित कर देते हैं, बजाय कि हम लोगों से कटें, हम वैराग्य की अगर अनुभूति कर रहे हैं तो आप शास्त्रों में चले जाइए, आध्यात्मिक बल बढ़ाइए, आप अपने शास्त्रों का पठन पाठन बढ़ा दीजिए। पुराण है, 18 पुराण है, किसी भी पुराण को लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रभु के साथ संबंध बनाइए, लोगों से थोड़ा बहुत मिल लिया, बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना, और आ गए ये महीना ऐसे व्यतीत कर लीजिए, तो वैराग्य भी अपनी जगह रहेगा, क्योंकि पुराण भी हमें वैराग्य की शिक्षा देते हैं कि आप सबसे निभाइए लेकिन अंदर से अनासक्त रहिए। तो पॉजिटिविटी के साथ आप उस योग को चेंज करेंगे। अगर ज्ञान का बल आपके पास, ये आध्यात्मिक ज्ञान का बल नहीं रहेगा तो आप थोड़े नेगेटिव वे में विरक्त होंगे, यानी कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अब किसी से बात नहीं करने में और एक ये वाला बल जो मैं आपको बता रही हूँ कि ओके, बड़ी प्यारी बातें प्रभु ने कही हैं, सबसे मिलो, अंदर से अनासक्त रहो, अंदर से अटैचमेंट नहीं रखनी है, तो सबको खुश भी करना है और किसी की बात का बुरा भी नहीं लगाना है, और प्रसन्नता से थोड़ा सा समय व्यतीत करके दूसरों को प्रसन्नता दे के घर आ जाओ और फिर प्रभु की वार्ता में लगो, तो वो जो खाली बैठ के दिमाग में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे हैं उनसे मुक्ति पाएंगे आप, ठीक। अब हम आ जाते हैं बिजनेस और जॉब एरिया में, थोड़ा सा डिसबैलेंस नजर आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इस महीने के लिए है, जिंदगी भर के लिए नहीं है, दोस प्रॉब्लम्स विल एंड, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, दैट इज
फॉर जनवरी टू एंड, ठीक है? एंड इतना बुरा नहीं है कि बिल्कुल ही पूरा महीना खराब हो जाए. संघर्ष करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए और हर विकट परिस्थिति को अपने ज्ञान बल से पार कर जाए, ठीक. अब हम आ जाते हैं रोग. तो रोग तो कुछ खास नजर नहीं आता. टेंशन दिमाग में जो मैंने बताई है उन प्रॉब्लम्स की वजह से रह सकती है. मानसिक रोग तो वो आप खुद ही स्वयं को स्वयं शांत कर सकते हैं. लोगों से बहुत ज्यादा कट ऑफ मत रहिए. एक आधा दो वाइज लोगों के साथ टच में प्लीज रहिए ताकि वो ज्ञान की बातें करके ना थोड़ा आपके विवेक को उज्ज्वल रखें, ठीक. अब हम आ जाते हैं लकी कलर लकी नंबर पे. तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से रेड एंड येलो. और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 5 एंड 7. तो इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को मंगलमय बना लीजिए. धन्यवाद.